नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। सूर्य कुमार यादव, आखिरकार इनका सपना पूरा ही हो गया। भारतीय फैंस यही चाहते थे। इस खिलाड़ी ने काफ़ी मेहनत की है, लगातार आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करते रहे। मुंबई इंडियंस की आखिरी दो खिताबी जीत में सूर्य कुमार यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा, पर जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें मौका नहीं मिला तो सूर्य कुमार यादव को काफ़ी निराशा हुई। साथ ही सोशल मीडिया पर सूर्य कुमार यादव को खूब सपोर्ट मिला। टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली को फैंस बुरा भला कहने लगे। कहा यह जाने लगा कि आईपीएल के दौरान सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में हुई भिड़ंत की वजह से कोहली ने जानबूझकर उन्हें टीम में जगह नहीं दी। पर अब जब टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव को बुलावा आया तो मुंबई के इस खिलाड़ी का सपना पूरा हो गया। चयनकर्ताओं ने उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा बनाया है। टीम इंडिया के मध्यक्रम के बल्लेबाज मनीष पांडे को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में संभावना है कि सूर्य कुमार यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। टीम इंडिया में सेलेक्ट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल वो विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई की टीम में शामिल हैं। आज वो दिल्ली के खिलाफ इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने रविवार को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम से क्रीज पर आराम करते हुए एक फोटो शेयर की है और उन्होंने कैप्शन में लिखा है, सपने में होने की तरह महसूस कर रहा हूँ। अगर आईपीएल की बात करें तो पिछले 3 सीजन से सूर्य कुमार यादव का बल्ला जमकर बोल रहा है। आईपीएल 2018 में उनके बल्ले से 14 मैचों में 512 रन निकले। इसके बाद उन्होंने आईपीएल 2019 में 16 मैचों में 424 रन बनाए। आईपीएल 2020 में सूर्य कुमार यादव ने 16 मैचों में 145 की स्ट्राइक रेट से 480 रन बनाए थे। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।